हम लोग का अनुमान था कि 20 किलो लगभग आएगा, 31 किलो अप्रॉक्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई एक चीज मैंने रियलाइज किया है कि अगर लाइफ में आप कोई काम को सोच लेते हो ना, तो उसमें से 90% तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि सोचने से हो जाता है, उसको करने से होता है। मींस अगर आप कोई काम सोचे हो, एक काम, दो काम, तीन काम, तो उसमें मिनिमम आपको एक काम तो हो जाएगा और मैक्सिमम तो पूरा हो जाएगा। बट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैंने कल 4-5 काम डिसाइड किए थे जिसमें से मेरे मैक्सिमम जो है 90% काम कंप्लीट हो गए हैं, जबकि 10% काम बचे हुए हैं। और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि वो होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शेड्यूल बहुत बिजी होने वाली है, और कल ऐसे ही कटा जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा। सबसे पहले HP गैस सिलेंडर ऑफिस में गया, वहां अपने काम को निपटाया। उसके बाद फिर मार्केट में गया, मार्केट में कुछ ऐसे लकड़ी उकड़ी का काम था उसको लेकर आया। जो मैं आपको बता रहा था कि जब बरसात के मौसम आते हैं तो आंगन होता है उसके स्पेस से बहुत पानी आते हैं, तो वहां ग्रिल लगवाना था। तो ग्रिल मैंने ऑर्डर कर दिया था, 4-5 दिन हो गए थे, आज उसकी डिलीवरी डेट थी, साउथ था उसके थ्रू आ गया। अब एक काम और बचा है, उस ग्रिल को पेंट करवाना, क्योंकि देखो जो आयरन की चीज होती है ना, उसको पेंट कर देने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और एक काम बहुत मेजर काम बच गया है, जैसा कि आप लोग आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, वहां एक तार है, उस तार को मैं बोला था कि सही करवाने के लिए। हाँ, कल लाइनमैन आया था, बट उन्होंने कहा कि काम बहुत ज्यादा है तो आज काम नहीं हो सकता, कल आएंगे, कल काम हो जाएगा। तो आज की डेट में लाइनमैन आने वाला है और तार को सही करेगा। दो लोगों के दिमाग में मिथ्या है ना कि लाइनमैन को लाइट नहीं मारती है, आज हम लाइनमैन से भी पूछेंगे और आपको भी दिखाएंगे लाइनमैन को लाइट मारती है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर यहां तक आप वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अच्छी लगी हो तभी लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी फैमिली और आगे बढ़े और जल्द से जल्द हम लोग अपने चैनल को मोनेटाइज कर सके, ताकि हम आप लोग के लिए धमाकेदार गिफ्ट लेके आ सके। क्या One hour later. फाइनली अपने वायर का काम परफेक्ट हो गया है, वहाँ एक कनेक्शन हुआ है और यहाँ, और बीच में जो ये डाल जाती थी उधर, और बारिश के समय में हवा वा चलता था तो वायर से वह रब्ड होता था, और फिलहाल वो कट के यहाँ आ चुका है। और सबसे बड़ी टेंशन इस वायर की थी, जो कि मुझे लगता है खत्म हो गया। ब्यूटी ऑफ नेचर, यहाँ तो अपवाद ऑफ नेचर। एक्चुअली अभी सीन क्या हुआ, मेरे घर आई थिंक 7-8 लेडीज पार्टी आ गई थी, तो घर देख रही थी, हम डर था कि इस रूम में ना आए, क्योंकि इस रूम में सामान इस तरीके से बिखरा हुआ है ना कि मैं रूम की हालत आपको दिखाई नहीं सकता। और यहाँ इस खिड़की से वो लोग देख रहे थे, बट हम लोगों को भी देखना था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोगों के बारे में। तो बंदा दिमाग लगाया, दिमाग के लगा ऐसे देखेंगे, अगर सामने देखेंगे तो भाई आई कांटेक्ट हो जाएगी, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं दिमाग लगाया, अपना बैक कैमरा खोला और मैं ऐसे मोबाइल चला, उनको लग रहा था कि बंदा मोबाइल चला रहा है, बट मैं मोबाइल नहीं चला रहा था, मैं कैमरा ऑन करके देख रहा था। आज अपनी बन रही है देसी स्टाइल में बर्गर, आज बंदा बर्गर खाएगा क्योंकि मार्केट खुल नहीं रहे, तो क्यों ना यहीं से काम चलाया जाए। और आसानी से बर्गर वाले जो ब्रेड है वो मिल गए हैं, तो आज इंजॉय चल रहा है। यहाँ बर्गर का जो ब्रेड है वह इसको हम फ्राई कर रहे हैं, और मेरे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है, इसीलिए खीरा और अनियन से काम चलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बाय बाय दोस्त, इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए RP ब्लॉग। रवि प्रताप सिंह, बाय बाय दोस्त।